दोस्तों, हम सभी अपने पसंद के हीरो, हीरोइन या नेताओं के बारे में अधिक से अधिक जानने की इच्छा रखते हैं। भारतीय सिनेमा का एक ऐसा कलाकार जिसने अपनी कला के दम पर हम सबके दिल पर राज किया। इस कलाकार को भी अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष करना पड़ा। शोले फिल्म में ठाकुर का रोल करने वाले इस शख्स का असली नाम है हरी भाई जरीवाला। जी हाँ दोस्तों, आप सब सही समझे। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फिल्म जगत के मशहूर कलाकार संजीव कुमार जी के बारे में। गुजरात के हरिहर जेठालाल जरीवाला, जिन्हें हम सब संजीव कुमार के नाम से जानते हैं, उनका जन्म 9 जुलाई 1938 में हुआ था। चाहे रोमांटिक ड्रामा हो या फिर थ्रिलर मूवीज, संजीव कुमार हर तरह के अभिनय में पारंगत थे। उन्हें भारतीय सिनेमा के साथ दिग्गज कलाकारों में शामिल किया गया है। कई साल गुजरात में रहने के बाद वो काफ़ी कम उम्र में ही मुंबई आ गए। एक मूवी में स्टंट करने के बाद उनका फिल्म जगत में सफ़र शुरू हो गया। पहले तो वो नाटकों में हिस्सा लेते थे, पर 1960 में आई फिल्म हम हिंदुस्तानी में उन्होंने अपना डेब्यू करा। 1968 में आई फिल्म संघर्ष में उन्होंने ट्रेजिडी किंग दिलीप कुमार के साथ काम किया। फिर 1970 की खिलौना मूवी ने संजीव कुमार को उनकी असली पहचान दिलाई। संजीव कुमार जी की काबिलियत को डायरेक्टर गुलजार ने पहचाना। उन्होंने 4 फिल्में बनाई और चारों में ही संजीव कुमार जी को एक्टर के रूप में चुना। आप सब ने फिल्म अंगूर के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। साल 1982 में आई इस फिल्म ने संजीव कुमार जी के आगे सफलता का एक नया रास्ता खोल दिया। इसके साथ साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें पति पत्नी और वो, बीवी ओ बीवी, हीरो जैसी फिल्में शामिल हैं। हिंदी फिल्मों के साथ साथ उन्होंने कई साउथ की मूवीज में भी काम किया। साल 1971 में फिल्म दस्तक के लिए और साल 1973 में फिल्म कोशिश के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। उन्हें कुल मिलाकर 5 फिल्मफेयर अवार्ड मिले थे, जिसमें आंधी, शिकार, अर्जुन पंडित जैसी फिल्में शामिल हैं। संजीव कुमार जी ने अपनी पूरी जिंदगी किसी से शादी नहीं की, क्योंकि वो हेमा मालिनी जी से प्यार करते थे, पर हेमा मालिनी जी ने इस बात के लिए इनकार कर दिया। तब उनका दिल टूट गया और फिर उन्होंने किसी से भी शादी नहीं की। उन्होंने एक बार कहा था कि मैं 50 साल से ज़्यादा जी नहीं पाऊँगा, और ठीक ऐसा ही हुआ। 6 नवंबर 1985 में 47 साल की उम्र में ही हार्ट अटैक के चलते उनकी मृत्यु हो गई, और पीछे छूट गई वो लाजवाब फिल्में जिन्हें हम आज भी देखना पसंद करते हैं। संजीव कुमार जी के ऊपर बनी ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।